हेलो एवरीवन, यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये ओ लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है सेट 5। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है 50 क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि देखो यहाँ लिखा है कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की समीक्षा वो अपने आप स्टाइल बनाने के लिए वर्ड में ऑटो फॉर्मेट कमांड का प्रयोग करते हैं। देखो ऑटो कमांड जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें क्लियरेंस मिलता रहता है और फॉर्मेटिंग यानी कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टाइल में अगर रेड लाइन ना आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। पेज प्रीव्यू को WYG, ठीक है, ये क्या लिखा है इसको समझना ठीक से। देखो इसका जो मतलब होता है ना, व्हाट यू से एंड व्हाट यू गेट, आप क्या पाना चाहते हो, ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेना, व्हाट यू गेट, व्हाट यू सेट इन व्हाट यू गेट, आप क्या पाना चाहते हो, ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। प्रिंट प्रीव्यू वर्ड में एडिटिंग की अनुमति नहीं प्रदान करता है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ट्रू, क्योंकि प्रिंट की अनुमति प्रदान करता है, एडिटिंग की भी अनुमति प्रदान करता है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना, सीधी सी बात है। एक रेंज में फार्मूला डालने के लिए जिस सेल में फार्मूला है उसे सेलेक्ट करके ऊपर नीचे दाएं और बाएं जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोई आपने कोई फार्मूला जोड़ लिया, कोई मार्कशीट वगैरह बना रहे हो, ठीक है, ये जो कोई सब ये फॉर्मेट होगा, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर है एक कॉलम में बना दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया आपने यहाँ इसका इस सेट का, कई लोग हैं तो देखो इसको फार्मूला ला के यहाँ पर जोड़ दिया आपने, तो आप चाहते हो कि ये जो बाकी लोग बचे हुए हैं इनको क्या करोगे, इस फार्मूले को ड्रैग कर दोगे सब में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह ईमेल मैसेज जो किसी अस्थायी यानी टेम्पररी समस्या जैसे मेल बॉक्स पूरा भरा होना आदि के कारण नहीं पूछ पाते, उन्हें सॉफ्ट बाउंस कहते हैं। जो 55 का आंसर क्या है, वो देखो सॉफ्ट बाउंस कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, लाइट पेन के स्क्रीन पर प्रयोग द्वारा इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, जो 56 का आंसर हो जाएगा, ये देखो लाइट पेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लाइट पेन से इस्तेमाल से हम कोई भी इमेज बना सकते हैं आसानी से, और लाइट पेन का मोस्टली यूज़ होता है ग्राफिक्स टेबल पे, अगर कुछ डिज़ाइन वगैरह करना होता है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अगर पढ़ाना है स्टडी ऑनलाइन बेस पे पढ़ाना होता है तो इनका भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MHz मेगाहर्ट्ज़ CPU 1 सेकेंड में 1 मिलियन निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CPU की गति मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नहीं मापी जाती, तो 58 का जो आंसर है वो जगह फॉल्स। CPU का जो स्पीड होता है वो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, सीधी सी बात। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही। अगर कोई टेक्स्ट है उसमें आपने पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग वगैरह कर दिया, फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड इटैलिक वगैरह आपने कर लिया, तो आप कंट्रोल क्यू करके उसको रिमूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का आकार नहीं बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि देखो अगर फॉन्ट बदलना है, कुछ फॉन्ट के नाम जान लो, एरियल ब्लैक है, ठीक है, और टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि कैलिबरी और टाइम्स न्यू रोमन ये किस टाइप, ये क्या है, वहाँ पे ऑप्शन था वर्ड आर्ट, ठीक है, और स्टाइल था बोल्ड था, तो क्या लगना, स्टाइल है ये। ओके, इसको बोलते हैं हम 3 चीज़ें, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट स्टाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट प्रयोक्ताओं के बीच ऑनलाइन पर आधारित बातचीत टेस्ट कराती है, यानी इंटरनेट यूज़र की बात हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन आधारित बातचीत अगर किया जाए उसको बोलते हैं चैटिंग, ठीक है ना, आप चैटिंग करते हो ना मैसेंजर वगैरह पे, ठीक है, वो चीज़ें। अधिकतर स्पीड वह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डेटा को ग्राफ और चार्ट में बदलने के लिए सब प्रोग्राम होते हैं, तो 62 का जो आंसर होता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस balls@sau.edu में बॉलेस पासवर्ड है, तो 63 का जो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ईमेल एड्रेस में क्या है, ये जो कहलाएगा क्या, यूज़र नेम, ठीक है, एड्रेस क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखो
सी सी बाजी फॉल्स हो जाए, क्यों? देखो रोम का पुराना होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है रैम का है, आर फॉर रैंडम और ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी, ठीक है। तो मतलब रैम का पूरा नाम ये है और रोम का नाम पूरा क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। 65 कीबोर्ड माउस व स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, नहीं ये क्या इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड यूज़ करते हो इससे कुछ लिखते हो तो कंप्यूटर कुछ जाता है डेटा ना, माउस से क्लिक करते हो तो भी यूज़ होता है, स्कैनर से क्या होता है स्कैन करके कंप्यूटर में जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैप्स लॉक की मदद से अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखा जा सकता है, तो छाछर का आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। कैप्स लॉक करते हो और को टोटल आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो कैप्स लॉक ऑन कर लो, आपका जो LED लाइट होती है वो जल जाती है, आप यूज़ करो, ठीक है। या अगर कोई सिंगल यानी कैपिटल ईच वर्ड की इस्तेमाल करना चाहते हो तो शिफ्ट बटन आप यूज़ करके करते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ख्याल रखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा कोई काम नहीं करता, एप्लीकेशन का काम क्या है केवल वर्क करना, ठीक है ना। तो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई इंटरफेस नहीं करेगा, जब भी करेगा यूज़र करेगा, ओके यूज़र कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ना, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सेल में डिलीट और क्लियर कमांड से एक जैसे ही कार्य किए जा सकते हैं, तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, एक ही जैसे काम नहीं होते डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप एक बार में पूरी वर्कबुक की फॉन्ट स्टाइल एक ही कमांड से नहीं बदल सकते, आपको प्रत्येक वर्कशीट पर अलग अलग काम करना हो पड़ेगा, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। स्पेलिंग व ग्रामर को केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ही जा सकता है, तो 70 का जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। GIF का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है, GIF की बात कर रहे हैं तो हम इमेज फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मूवमेंट चलता है, आप व्हाट्सएप वगैरह भेजते हो कोई ऐसे एक इमेज जैसा होता है कुछ मूवमेंट वाले होते हैं, ठीक है। अगर इमेज फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं तो JPG फॉर्मेट है, PNG है, PSD है, ये सब इमेज के फॉर्मेट हैं, ओके। मूल ASCII कोड प्रत्येक बाइट के 7 बीट का प्रयोग करता है, वह अंतिम बीट को एरर की जांच करने के लिए सोच सकता है, तो 72 का जो आंसर है वो है ट्रू। देखो ASCII का पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जो कीबोर्ड होता है हम लोग का, कीबोर्ड का पूरा जो कोडिंग होता है वो ASCII बेस पे होता है, ठीक है, 0101 के फॉर्मेट में, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रोप्रोसेसर उद्योग में इंटेल सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो 73 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा वो ट्रू। देखो इंटेल का ही आपने देखा होगा प्रोसेसर आता है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। अधिकतर ब्राउज़र ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का समर्थन नहीं करते हैं, तो 74 का जो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, जितने भी ब्राउज़र हैं लगभग सभी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम यानी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर व LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप था, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप पर आधारित हैं, जो 75 का आंसर क्या हो जाएगा वो जाएगा ट्रू, ओके। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो यू पे काम करता है, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FTP सर्वर पर सुरक्षित की गई फाइलों को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं यदि आपके पास FTP क्लाइंट है तो 76 का आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। हम FTP से क्या कर सकते हैं, देखो FTP का मोस्टली हम यूज़ तब करते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई यूज़र है, ठीक है, ये क्या करता है एक कंप्यूटर से, ये मान लो ये जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसका स्टोरेज फुल हो गया तो इसको सर्वर पे रख सकता है डेटा को, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म का जो बेस होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है एक FTP क्रिएशन हो रहा है, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं FTP, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HTML पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल को हाइपरलिंक कहते हैं, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। HTML ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्रोटोकॉल को हाइपरलिंक नहीं कहते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है किसी इमेज या टेक्स्ट पर एक लिंक होता है जिसे हम क्लिक करने पे कुछ ओपन हो जाए पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CD-ROM में फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा सूचना सुरक्षित या सेव की जा सकती है, तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा वो जाएगा फॉल्स।
देखो सीडी रोम की कैपेसिटी ज़्यादा होता है और फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क के मुकाबले। देखो यहाँ पे क्या समझना, सीडी रोम का जो कैपेसिटी है और फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा सीपीयू ले सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कि हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, ख्याल है ना, आपको 1 TB 2 TB का भी मिल जाता है। ओके, तो ये कितना हुआ, ये कम का ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए फैचिंग कंट्रोल यूनिट द्वारा की जाती है, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ओके, 79 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा पूरी रो को सेलेक्ट किया जा सकता है, तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, इसके माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यूज़ करना है कंट्रोल ए करो तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक फोटो एल्बम द्वारा, फोटो एल्बम डेटा सोर्स में से डेटा को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जोड़ पाना संभव है? देखो फोटो एल्बम डेटा सोर्स का अगर यूज़ करना है एक कैसे का जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है तो हम कोई भी फोटो प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पावर पॉइंट में वो ऑब्जेक्ट जिनमें टेक्स्ट होता है उन्हें प्लेस होल्डर कहते हैं, तो 82 का जो आंसर क्या होता है वो जाए ट्रू। क्यों? देखो क्या लगना, जब आप चैटिंग करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहाँ लिखा होता है ना राइट टेक्स्ट हेयर, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर, यानी कुछ वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है टेक्स्ट, वो बताता है कि आपको ये चीज़ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। पीडीए का पूरा नाम क्या है, तो पीडीए का नाम पूरा है 83 का जो आंसर पूछा है क्या हो सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, 83 का आंसर क्या है, और 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा, आप एक मिनट, इसको करना क्या है, फॉल्स करना है। पीडी का पूरा नाम क्या होता है, देखो इसका जो आंसर है ना वो रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है ये फ़ोन के लिए यूज़ होता है, फ़ोन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका आंसर ट्रू है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैन का पूरा नाम क्या है, तो पैन क्या होता है, 84 का पैन का पूरा नाम है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। एक होता है पान नंबर जो हम लोग इनकम टैक्स वाला होता है नंबर, ठीक है, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम जानकारी प्राप्त करता है, तो 85 का जो आंसर है वह ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाई चार्ट में 3 एक्सेस होते हैं, तो पाई चार्ट में कितने एक्सेस होते हैं, देखो जो 86 का जो आंसर है फॉल्स, 3 एक्सेस नहीं होते, कई एक्सेस होते हैं, ठीक है। सभी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा का इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं, तो 87 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि कोई भी हम डेटा को लिखते हैं, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान होता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिकतर कंप्यूटर से संबंधित त्रुटि यानी एरर्स डेटा के त्रुटिपूर्ण प्रोग्राम होने का क्या कारण है, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ट्रू, यानी ज़्यादातर जो कंप्यूटर होती हैं उनमें त्रुटियाँ होती हैं डेटा में, तो त्रुटिपूर्ण परिणाम होने का कारण होती हैं, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर में त्रुटि होना सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, तो 89 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, हाँ फोल्डर को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, हम इसको ट्रू करेंगे। हेडर पर फोटो डायलॉग बॉक्स स्लाइड सेटिंग को केवल सेलेक्ट किए गए स्लाइड में ही लागू करने की अनुमति प्रदान करता है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि देखो जो हेडर सेक्शन होता है ना, अगर मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, जब इसको अप्लाई करते हो ना, तो ऊपर का जो एक सेक्शन होता है वो हेडर कहलाएगा और नीचे का सेक्शन कहलाएगा फुटर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूज़ करोगे आप ना, यहाँ पे हेडर फुटर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉक हो जाता है, यहाँ बीच में आप नहीं लिख सकते, जब आप हेडर फुटर क्लोज करते हो फिर इसके बीच में लिखते हो, और इस पोर्शन ये पोर्शन हाइड हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 का, वेब ब्राउज़र एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है, देखो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, डिवाइस हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, समझ लेना। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे आप कर सकते हो, इसको कहोगे फॉल्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो यहाँ समझ लेना, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, मोज़ैक, ठीक है, और मोज़ैक की बात करेंगे हम, इसके बाद होता है लाइनक्स था, LYNX, इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर,
और गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, एप्पल सफारी, ठीक है, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायरलेस नेटवर्क के साथ अपनी डिवाइस की जगह बदलना आसान होता है, तो बांध का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। जैसे वो अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो आप किसी का, तो एक स्थान दूसरे स्थान मूव कर सकते हो, हुक कर सकते हो, बिल्कुल एक रेंज में, ठीक है ना, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। सेटेलाइट से डेटा भेजने का तात्पर्य डाउन लिंक से है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। वर्कशीट में डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट में डेट को फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल हैश की का प्रयोग कर किया जाता है, 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। आप अगर डिफॉल्ट डेट सेट करना चाहते हो तो कंट्रोल हैश का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंसर्ट टेबल बटन द्वारा आप अधिकतम 5 रो की टेबल बना सकते हैं। जब आप 5वीं रो के अंत में हों तब इंटर बटन दबाकर आप एक नई रो प्राप्त कर सकते हैं, तो 95 का जो आंसर है वो जाएगा फॉल्स, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ट्रू, ठीक है। रैम क्या है? मतलब वॉलेटाइल का अर्थ ही होता है टेम्प्ररी की बात हम कर रहे हैं, ओके। और जो रोम होता है नॉन वॉलेटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डॉट जे पी जी एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? नहीं, जो डॉट जे पी जी होता है वो क्या होता है? इमेज फॉर्मेट है। डॉट पी एन जी, डॉट पी एस डी, डॉट जे आई एफ, ये इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या है? 98 में क्या कह रहा है कि कंटेंट के व्यूअर के साथ डॉक्यूमेंट को दिखाने की प्रक्रिया इंडेक्सिंग कहलाती है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट। मतलब क्या, अगर आप इंडेक्स बना लेते हो और जैसे लेशन होते हैं हम लोग के ना, लेशन की ये चैप्टर यहाँ पर, ये चैप्टर यहाँ पर, उसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 99 का। ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करने से आपके फेवरेट लिस्ट व सब्सक्राइब फीड डिलीट नहीं होते, 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन कि यदि हम जब वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अगर हमने कुछ डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड को ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डाउनलोड ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, और हिस्ट्री देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। यदि आप स्लाइड मास्टर व टाइटल मास्टर को एडिट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्लाइड मास्टर को एडिट करना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रू। क्योंकि जो मेन पेज होता है ना, मेन पेज होता है जो पावर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मेन पेज होता है मास्टर पेज, ठीक है। अगर आप मास्टर पेज चेंज करते हो तो ही आप फिर बाकी स्लाइड पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।